नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूं राशिका बजाज। हरियाणा के पंचकुला में 3 जून से 13 जून तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एथलेटिक्स अंडर 19 वर्ग में गुमला जिला के कामडारा प्रखंड क्षेत्र के नावाडी गांव की रहने वाली आशा किरण बारला ने झारखंड के लिए 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया है। आशा किरण बारला की इस उपलब्धि पर सोमवार को जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव के दिशा निर्देश पर जिला खेल पदाधिकारी हेमलता बुन व कामडारा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने नावाडी गांव जाकर आशा किरण बारला की मां रोजनिया आइंद को गुलदस्ता व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि आशा किरण बारला 2017 में एक गोल्ड मेडल, 2018 में 3 गोल्ड मेडल, 2019 में एक गोल्ड मेडल, 2021 में एक सिल्वर मेडल और 2022 में अब तक 2 गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। सबसे पहले तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि एक लड़की जिसे गुमला वासी हम लोग जस्ट एक नॉर्मल तरीके से देखा करते थे, वो अब राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर है और बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य उसके सामने है। तो ये एक सौभाग्य हम लोग सभी का कि हम लोग देख रहे हैं अपने आप के सामने एक स्टार को, एक स्पोर्ट्स स्टार को देख रहे हैं और हम लोग ये आशा करते हैं कि ये अननेसेसरी अपने ऊपर एक्सपेक्टेशन का बोझ नहीं रखते हुए एंजॉय करें अपने प्रोसेस को, अपने अपने पैशन को जिस चीज़ के पीछे वो लगी हुई है और बहुत ऊंचाइयों तक जाए। ये इंस्पिरेशन बने उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए जिनके लिए हम लोग सभी आशा करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल का महत्व देना जो है वो कितना नेसेसरी है, कितना ज़रूरी है, वो अब जाने लोग इसको। आप धन्यवाद करना चाहते हैं अपने मीडिया बंधुओं का जिन्होंने इतने अच्छे कवरेज के साथ उनको सम्मानित किया, उनको कवरेज दिया, बताया सबको कि नाम कमाने के कितने अच्छे तरीके हैं, अच्छे तरीके से, श्रम से, सच्चाई से, ईमानदारी से अगर कोई मेहनत करे अपने चीज़ को तो मुकाम को हासिल कर सकता है, नाम रोशन कर सकता है। उनके माँ से भी देखिए, उनके बड़ा दुखद उनके जीवन से जो घटना घटा है, उनके पिता की नक्सली हिंसा में जो मृत्यु हुई थी, उसके बाद उनकी माँ जो है एक अनुशीलता के रूप में हमारे ही पूरे जिला प्रशासन की टीम के हिस्सा बनके उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया, बच्चे की सेवा की, उसके सारी मुरादों को पूरा करते हुए आज इस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनकी माता जी का करूँगा कि जिनके इस लगन के कारण ही आज हम लोग ये सब देख पाए हैं। गुमला को एक इंस्पिरेशन मिला है। आने वाली सभी एक पीढ़ी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए ये जो सक्सेस इससे इसका मूल आधार यही है, इन्होंने लगातार एक कंसिस्टेंट तरीके से डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ को जिया, अपने कोच पर विश्वास रखा और किसी और के भरोसे नहीं रख के अपने लगन से अपने दम पर ये अचीव किया है। तो हमारा आपसे आग्रह है, निवेदन है, कृपया एक डिसिप्लिन जीवन दिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, अपने काम पर लगे रहिए, सफलता अपने आप मिलेगी, जीत हार को छोड़ दीजिए और अपने बताए गए कोच हो या फिर टीचर हो उनकी बातों को पूरी श्रद्धा से अपने मन से अपने बातों को सुने, बड़ों को बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करें, उनकी बातों को ध्यान दें, आप हर तरह से विभिन्न तरीकों से सफलताओं को अचीव कर सकते हैं। और अच्छी है जो झारखंड के लिए गोल्ड मेडल लेके आई है, ये हमारे राज्य एवं गुमला जिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और सुप्रीति भी गोल्ड मेडल ले गए आई है, उसके साथ आशा किरण बारला जो कहे तो एक गोल्डन परी के रूप में जो वो लगातार 6 वर्षों से मेडल लेते आ रही हैं और हम लोग जिला प्रशासन की ओर से उनकी मां को सम्मानित करने आए हैं और उनके घर में जो भी समस्या है उनसे अवगत हम लोग होकर जा रहे हैं जो जिला प्रशासन की ओर से मदद करेंगे। तो आशा किरण अभी लास्ट टाइम क्या जीती हैं वो आशा किरण 800 मीटर में गोल्ड मेडल हरियाणा पंचकुला से लेके आई हैं जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और हर संभव उन्हें हम लोग मदद के लिए तैयार हैं। क्या पहल की जाएगी? एक तो ये इनकी जो माता है ये विधवा हैं तो हम लोग इनको आवास और पेंशन दे रहे हैं। राशन कार्ड में केवल 2 लोगों का नाम है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी बचे हुए जितने भी बच्चे हैं सभी का नाम राशन कार्ड में जुड़ जाए और इनको पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध किया जा सके। इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पानी की भी समस्या है तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे क्योंकि ये कुछ ड्राई जोन है तो इसमें हम लोग किस तरह से बोरिंग इत्यादि देकर पानी की व्यवस्था कर सकते हैं इस पर हम लोग प्रयास करेंगे। आवास के लिए कुछ आवास इनको दिया गया है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है
काम चल रहा है इनके आवास पर। तो जो भी तकलीफ है इनकी तो दूर की जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ये प्रयास हमेशा रहता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।